Hey friends, this is Ajay from Infinity Salon and Education and welcome back to our channel. Today we are back again with a new video और आज का हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड ग्रेजुएशन पार्ट 3। आई होप आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन पे ज़रूर देखा होगा, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में हमने बात की है फॉरवर्ड ग्रेजुएशन विद स्क्वेयर फॉरवर्ड टेक्निक और पार्ट 2 में हमने बात की थी ट्विस्टेड फॉरवर्ड टेक्निक के बारे में। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट 3 वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फॉरवर्ड टेक्निक के बारे में। तो चलो देखते हैं और जानते हैं इसे कैसे करते हैं। ये ए फॉरवर्ड टेक्निक भी बहुत सिंपल और इजी टेक्निक है। इसमें आप रेडियल के आगे के हेयर को ए शेप में कट करते हो फॉर अ अमेजिंग लुक। अगर इस टेक्निक को आप स्क्वायर फॉरवर्ड और ट्विस्टेड फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा लेयरिंग आती है। तो अगर आपके क्लाइंट को लेयरिंग ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ इस टेक्निक का यूज़ करें। इस ए फॉरवर्ड टेक्निक को भी हम आपको फर्स्ट डमी पर करके दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सेम मॉडल पे। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। यहाँ भी सबसे पहले आपको डमी के हेयर को सेंटर प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको रेडियल के आगे के सारे हेयर को अच्छी तरह कॉम करना है। याद रखिए, कई भी हेयर बेंड नहीं होने चाहिए और हेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने चाहिए। कॉम अच्छी तरह करने के बाद आपको हेयर को फेस के सामने स्ट्रेट ट्रैवल करना है। हेयर को ट्रैवल करने के बाद यहाँ भी आपको लेंथ को ध्यान में रखना है और सेक्शन को ए शेप में कट करना है और कट करना है कुछ इस तरीके से। अगेन कट होने के बाद हमें बैलेंस चेक भी करना है और ये रहा इस ए फॉरवर्ड टेक्निक का लुक। यू कैन सी द रिजल्ट, कितना प्यारा और ऑसम लुक है ये। आई होप ये टेक्निक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम ये सेम टेक्निक आपको मॉडल पे करके दिखाने वाले, सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। अगेन सेम सेंटर प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन, उसके बाद रेडियल के आगे के सारे हेयर को अच्छी तरह कॉम करना है एज यूजल। सिर्फ आपको याद रखना है कि कहीं भी बाल बेंड नहीं होने चाहिए और बाल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगेन अच्छी तरह कॉम करने के बाद आपको हेयर को फेस के सामने ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद यहाँ भी आपको लेंथ को ध्यान में रखते हुए सेक्शन को ए शेप में कट करना है और उसे भी कुछ इस तरीके से कट करना है। सेक्शन को कट होने के बाद आपको रीचेक करना है और रीचेक होने के बाद आपको बैलेंस चेक करना है। And we are done with a forward technique and you can see the result and this result is really awesome. So दोस्तों, देखा इस टेक्निक का रिजल्ट, इट्स रियली सुपर्ब। आई होप ये टेक्निक भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को थम्स अप जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।